हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रोटी कैसे बनाते हैं। आटा गूंदने से लेकर रोटी बनाने तक के सारे टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। उल्टे और सीधे तवे पर रोटी कैसे बनाते हैं मैं आपको दोनों ही तरह से बनाकर दिखाऊंगी। रोटी हमारी जल्दी बने और मुलायम बने वो सारी टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। गाइस, आप देख सकते हैं रोटी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। तो सबसे पहले तो हमने आटे को छान लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और आटा गूंदना शुरू करेंगे। पानी को हम 3-4 भाग में डालेंगे, एकदम से सारा पानी हम नहीं डालेंगे। जितना भी सूखा आटा दिख रहा है सारे को ही हमें पहले गीला करना है। अब जो आटा हमारा गीला हो गया है उसे एक साइड रखेंगे। अब देखिए, जितना भी हमारा सूखा आटा था सारा ही गीला हो चुका है। अब हाथों के पीछे वाले पोर्शन से हम आटा गूंदना स्टार्ट करेंगे। जितना ज़्यादा हम आटे को गूंदेंगे रोटी इतनी ही अच्छी बनेगी। आप चाहें तो इसमें नमक भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए बर्तन को भी चारों तरफ से साफ करते जाएं। और एक ख़ास टिप्स मैं आपको ये भी बता दूं, जितना ज़्यादा सॉफ्ट आटा हमारा होगा उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट रोटी भी बनेगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ आटा गूंदकर हमने तैयार कर लिया है। आटा गूंदने के 10 मिनट बाद हम रोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम 10 मिनट के लिए आटे को रेस्ट के लिए रखेंगे। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी रोटियां बनाने के लिए 6 या 7 पेड़े एक ही बार बनाकर रख लेंगे। इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हम पेड़ा बनाएंगे। ध्यान रहे, जब हम पेड़ा बनाएं तो पेड़े में दरारें नहीं होनी चाहिए। जिस साइज की भी आप रोटी बनानी चाहें उसी साइज का पेड़ा छोटा या बड़ा बना सकते हैं। अब एक पेड़ा हम लेंगे और उसको ऐसे प्रेस करते हुए फिंगर से ऐसे दबाते हुए हम टिकिया तैयार करेंगे। टिकिया बनाने के बाद उस पर सूखा आटा लगाएंगे। सूखा आटा हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर रोटियां खाने में अच्छी नहीं लगती। और फिर बेलन को ऐसे हल्के हल्के चलाते हुए हम रोटी बेल लेंगे। और फिर हथेली और फिंगर की हेल्प से इस तरह से रोटी को फैलाते हुए, तवा हमारा हाई फ्लेम पर गर्म है, हल्के हाथ से तवे पर डालेंगे। अब 3 से 4 सेकंड बाद हम रोटी को पलट देंगे। रोटी को सॉफ्ट रखने का मैं आपको ख़ास टिप्स बता दूं। अगर हम रोटी को ज़्यादा टाइम से पलटेंगे तो रोटी इतनी ही ज़्यादा टाइट बनेगी। तो 3 से 4 सेकंड बाद ही रोटी को पलटें और फिर रोटी को ऐसे उठाकर देख लें तो रोटी हमारी सिकने के लिए अब तैयार है। इसको मैं आपको तवे पर ही फुलाकर दिखाऊंगी। ये देखिए, ऐसे हल्के हल्के से प्रेस करते हुए सूती कपड़े से इस तरह से घुमाते हुए हल्का हल्का दबाते हुए, ये देखिए रोटी हमारी बहुत अच्छे से फूल गई है। ये देखिए दूसरी साइड से भी। अब मैं आपको दूसरे तवे पर रोटी बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, तवा हमारा गर्म हो चुका है। ऐसे आप चेक करके देख लें, थोड़ा सा आटा लगाकर हल्के हाथों से ऐसे थपकी लगाते हुए रोटी को हमने तवे पर डाल दिया है। और अब 3 से 4 सेकंड बाद ही हमने पलट भी दिया है। अब इस वाली रोटी को मैं आपको आंच पर ही सेक कर दिखाऊंगी। तो अब देखिए, रोटी हमारी सिकने के लिए तैयार है। इस तरह से ऐसे अब तवे को एक साइड रखें और ऐसे हल्के हल्के घुमाते हुए, ये देखिए रोटी कितनी अच्छी फूल गई है ना। अब मैं आपको एक और रोटी बनाकर दिखाती हूँ, ज़रा ध्यान से देखें।
तवा हमारा हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म है। जब हम रोटी को जल्दी पलटेंगे और जल्दी ही सेकेंगे तो रोटियां हमारी बिल्कुल मुलायम रहेंगी। तो अब देखिए रोटी सिकने के लिए तैयार है। इस तरह से हल्के हल्के से घुमाते हुए ये देखिए दूसरी रोटी भी हमारी कितनी अच्छे से फूल गई है। तो गाइस मैंने आपको इस वीडियो में आटा गूंदने से लेकर रोटी को सॉफ्ट और जल्दी बनाने के सारे ही टिप्स इस वीडियो में बता दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दुआओं में मुझे याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जल्दी ही हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।